आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करता है और प्रदोष व्रत करता है वो सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य को प्राप्ति करता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम पहर यानी सूर्योदय के बाद और शाम के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस बार सोम प्रदोष व्रत 17 अप्रैल 2023 को है। इस दिन जो भी काम किए जाते हैं वो सभी सफल होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आदित्य प्रकाश मिश्रा जी से इस दिन के किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। अगर आप अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर एक अच्छी नारियल लें और उसे अपने मंदिर में रखें। जब भगवान शिव की पूजा करें भगवान को पहले पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं और फिर अच्छे से धूप दीप दिखाएं। भगवान की पूजा के बाद ठीक इसी प्रकार एकाची नारियल की भी पूजा करें। पूजा के बाद उस एकाची नारियल को मंदिर में ही रखा रहने दें। ये उपाय करने से आपके धन में बढ़ोतरी होगी। अगर आप समाज में अपना प्रभाव या रुतबा कायम करना चाहते हैं तो इस दिन शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए धतूरा चढ़ाएं, साथ ही बेलपत्र भी चढ़ाएं। ऐसा करने से आप समाज में अपना प्रभाव और रुतबा कायम करने में कामयाब होंगे। और अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने रिश्ते में प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस दिन दूध में थोड़ा सा केसर और फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय को शादीशुदा लोगों के साथ वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। ऐसा करने से आपके रिश्ते में प्यार बना रहेगा और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर आप अपने लव मेट के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन 2 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करके उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें और भगवान से अपने लव मेट के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से आप जिसके प्यार करते हैं उसके साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, परिवार के बीच मतभेद बढ़ने लगे हैं तो सोम प्रदोष व्रत के दिन गंगा जल में एक बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिव की जलधारा से थोड़ा सा जल लेकर इसे घर के हर कोने और छत पर छिड़क दें। मान्यता है इससे घर में बुरी शक्तियों का नाश होता है, टोने टोटके आदि का असर खत्म हो जाता है। अगर आप अपने बिजनेस की समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन 11 कौड़ियों को मंदिर में रखकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रखें। ऐसा करने से आपके बिजनेस की समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप बुरी नज़र से अपना बचाव करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन जौ के आटे की रोटियां बनाकर गाय के बछड़े को खिला दें
और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करें। ऐसा करने से आपको बुरी नज़र से मुक्ति मिलेगी और अगर आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोम दोष व्रत के दिन दो मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करें, साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपका मन प्रसन्न रहे। रुद्राक्ष स्वयं शिव का स्वरूप माना गया है। मान्यता है अगर दाम्पत्य जीवन में दुख के बादल छाए हैं, विवाह में देरी हो रही है, तो सोम दोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें और फिर इसे विधि विधान के साथ गले में धारण करें। सुख के लिए ये रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली माना गया है। तो दोस्तों, ये थे सोम दोष व्रत के कुछ अत्यंत खास उपाय। आपको जिस चीज़ की कामना है उस चीज़ के लिए आप उपाय करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके काम को सफलता प्राप्त होगी। और दोस्तों, इस पोस्ट से अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आपसे अगली मुलाकात जल्द होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।